में जाएगा, हॉरर मूवी में भेजेंगे इसको। मैं भूतानी में हां फोन देखता है, मैं देखती फोन। अच्छा फ्लाइंग किस कर दो, फ्लाइंग किस करो, ऐसे कर दो, ऐसे एक पैर आगे। दो चीज पकौड़ा नहीं खाएंगे, पता सिखाएंगे मस्त चटनी वाली, मीठी मीठी खट्टी खट्टी। गाइज अगर हमको हमारे घर की जस्ट पीछे वाली गली में भी जाना हो ना तो भी पता है गूगल मैप से जाते हैं। हे गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो गाइज आज हम लोग जा रहे हैं, त्रिशा का कॉलैब आया है अमेजोन का, तो उसी के कॉलैब के लिए जा रहे हैं। अमेजोन ब्रांड का शूट होने वाला है आज, इसका बहुत टाइम से था लेकिन हम लोग पोस्टपोन कर रहे थे मेरे एग्ज़ाम की वजह से, बट उनको लास्ट संडे तक करवाना है, तो संडे को, मंडे को मेरा एग्ज़ाम है तो संडे को पॉसिबल हो नहीं पाएगा, तो हमने सोचा कि फ्राइडे को ही करवा लेते हैं। तो आज है फ्राइडे और सैटरडे और संडे का दो दिन का मेरे को गैप मिल जाएगा मेरी एग्ज़ाम के लिए स्टडी करने को। तो आज फ्राइडे को हम जा रहे हैं त्रिशा का शूट करवाने, और त्रिशा यहाँ अपने मामू के साथ बैठी है। कहाँ जा रहा लड्डू दिखा दो, इसको नींद आ रही, जगाओ तो उसको जगाओ भाई, दुगो सोना नहीं है बेटू, मेकअप भी करके आया, मेकअप भी दिखा दो आपका, लिपस्टिक भी लगा के आया है। क्या बोल रहा है बेटू, धीरे धीरे चला है बेटू, इसके पसीने आ रहे हैं बहुत ज्यादा। हेलो गाइस, तो अभी जाते हैं फोटोशूट के लिए और जल्दी हम मैडम का भी करवाने वाले हैं। तैयार हो गए तुम? हाँ, मेरे लिए तो बहुत आ रहे थे सैलून से भी, लेकिन अभी थोड़ी से भी परमिशन मिल गई है तो मैं एग्जाम से फ्री हो जाऊँ। उसके बाद पोर्टफोलियो बनवाएंगे मैडम का। मेरा बेटा जाएगा मूवीज में, तो कौन सी मूवी में जाएगा, हॉरर मूवी में भेजेंगे इसको। मैं भूतानी में। क्या बोला तूने? बेटू आज ये मेकअप करके आया ना, इसलिए इसको पसीने आ रहे हैं। कौन सी मूवी में जाएगा बेटू? भूत वाली मूवीज, ने भूत वाली मूवीज देख ली। सबको खा जाऊंगा मैं, जब बच्चों दूती था कौन तिंगा चक्का, हम फोन देखते हैं, मैं देखती हूँ फोन। ये बोल गया, आप मैं देखती हूँ फोन, आप मत देखना नहीं तो मैं पकड़ लूंगा ऐसे बोल। मैं आपने देखा मैं क्यों बनेगा मैं बेटू चुंदर चुंदर मंदिर रुक जाओ, मंदिर मंदिर आ गया, मंदिर में रुक जाओ। मस्ती कर ले, हम मस्ती करने जा रहे हैं, फोटो शूट कराने जा रहे हैं। अच्छा लग जाएगा वो फोटो शूट कराना, कैसे कैसे पोज मारेगा फिर वो, इसको खोल दो इसके पर्स को। पोज मारने में तो एक्सपर्ट हो चुकी है, आप पोर्टफोलियो में देखिएगा इसके। लड्डू सी हियर, इधर 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 सीधे बैठो लड्डू। तो गाइस ये बड़ी एक्साइट हो रही है, कल तो पता है यार इसने ना नेल पेंट लगा ली थी अपने डैडा से, वो भी ग्रीन कलर में। ये सुबह सुबह मैंने इसको रिमूव किया नेल पेंट को, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे शूट होते हैं वहाँ पे अलाउड नहीं होता। अब इसने हाथों में जो ब्लैक डोरा पहना हुआ है ये सब खोल देंगे वो लोग, कट कर देते हैं, कुछ भी नहीं पहना होना चाहिए डोरा और गले में जो पहना देते हैं बच्चों को, सब खोल देते हैं। हाँ बेटू, वैसे तो मैं इसका हल्का सा टचअप करके ले जा रही हूँ, बाकी इसका पूरा अच्छे से मेकअप वगैरह वही होगा। अगर हम लोग शूट कर पाए, पॉसिबल हुआ तो मैं इसमें दिखा दूँगी, बाकी आपने पहले वाले ब्लॉग में देखा ही होगा कि इसका अच्छे से मेकअप वगैरह हो के फिर ये शूट होता है। लास्ट ब्लॉग की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे आई बटन में, तो वो आप ब्लॉग जिसने देखा नहीं वो देख सकते हैं कि किस टाइप से शूट होता है और क्या क्या चीज़ फॉर्मेलिटीज़ होती है, क्योंकि तो इसको अपने बेबी को डालना हो मॉडलिंग में तो हेल्प ले सकते हैं इस ब्लॉग के। जो त्रिशा के लिए फर्स्ट जिसमें हमने इसका ऑडिशन करवाया था वो आया था फर्स्ट ट्राई के थ्रू, तो हमने उसमें ऑडिशन कराया था, फिर इसका सिलेक्शन हुआ। उसके बाद इसका फर्स्ट जो कॉलैब आया था वो आया था अमेजोन का, और उसके बाद तो इसके काफ़ी आ चुके थे, बट ये वाले के लिए बहुत टाइम से हम लोग पोस्टपोन की भाई बाद में करवाएंगे, बाद में करवाएंगे, मेरी एग्ज़ाम की वजह से अभी मैं फ्री नहीं थी उस टाइम पर,
बट हमको अर्जेंसी में उन्होंने बोला कि लास्ट एट लास्ट हमको संडे तक तो करवाना ही होगा क्योंकि हमको भेजना भी होता है, इसलिए हम अभी करवा रहे हैं। और बस अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। इसका जो टाइम है शूट का वो 3 से 4 बजे का है, तो अभी ये टाइम थोड़ा मतलब आफ्टरनून वाला है, तो इसको नींद भी आ रही है, बट हम इसको अभी सोने नहीं दे रहे हैं, इसको खिला रहा है। इसका मामू भी आया साथ में, क्योंकि हम दोनों से तो ये अच्छे से वहाँ हो नहीं पाती है, शैतानी करती है ना, तो हम संभाल नहीं पाएंगे, इधर भागेगी उधर भागेगी। इसका शूट होता है ना, रेड वाले अंगूर लेंगे अभी। तो गाइज ये वहाँ जाके इतना हो जाएगी ना, मतलब इसका शूट करवाते हैं ना हम, तो बहुत प्रॉब्लम तो आती है, तेजी नहीं होता है बच्चों का करवाना। अरे हाँ भाई हाँ, बाकी काफ़ी हद तक बोल सकते हैं अपन 80-90% परफेक्ट हो गई है एकदम पोज वगैरह देने में, सीख गई है इसको, मतलब इसकी क्लासेस भी हुई थी बीच में, तो उसमें भी लाए थे इसको हम लोग। शूट लोकेशन पे पहुँच के फिर मिलते हैं आप लोगों से। मज़ा आ रहा है गाइज, ये बोल रही गाइज मज़ा आ रहा है, ये पता है बहुत फ्रेंडली हो चुकी है वहाँ के लोगों से, खेलती है वहाँ जाके अच्छे से। डॉगी चाहिए, पैट चाहिए। अच्छा अभी डैडा को बोलेंगे, दादी से पहले दादी से पूछेंगे, दादी को पसंद नहीं है ना, दादी से पूछेंगे, दादी बोल देंगे तो अपन अच्छा इसने यहाँ देख लिया बाबू शॉप पे डॉगी। चलो गाइस फिर लोकेशन पे पहुंच के और मिलते हैं आप लोगों से। हम लोग पहुंच चुके हैं हमारी लोकेशन पे, अभी हम गाड़ी पार्क कर देते हैं। चलो लेट हो गया, पार्क में आप तो बैठ तो आप ही लोगे ना, मम्मा तो खुद बैठ रही हैं। गाइस चलते हैं अभी और दिखाते हैं इनका शूट, और इस ब्लॉग को एंड तक देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। जाना हो मॉडल फील्ड के अंदर, किसी को जाना हो तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है ब्लॉग, और अपने बच्चे को ऊपर डालने वाला हो या किसी ने सोच रहा हो तो जरूर देखें ब्लॉग को। तो गाइस यहाँ पे फॉर्म फिल कर रहे हैं त्रिशा का, लड्डू कहाँ आया बताना। तो गाइस अभी इसका सेटअप हो रहा है और ये यहाँ पे खेलने लगी है। डुगू नो, हाथ नहीं लगाना किसी भी चीज को। हाँ मैं उधर लेके चल रही हूँ, चलो बाबू देखो इसको पता है ऐसे ऐसे घूमना है इसमें, देखो ये अपनी सारी बाल वाल सब खराब कर लेगी यार। देखिए गाइस श्रीशा कर रही है मस्ती, ये कह रही गाइस मेरे गिफ्ट के पेज से सारे गिफ्ट लगे हैं मम्मा, ये मेरे लिए ही है सारे गिफ्ट, मैं कह रही थी सबको अच्छे से शूट करवा लेंगे तभी तो कुछ नहीं देंगे, अरे वाह मजा आ रहा है तो यहाँ इतने सारे गिफ्ट है मेरे लिए। अच्छे बन रही है, तुम भी खिंचवा लो फोटो शूट करा लो, तुम कर दूंगा मैं ही करता हूँ तुम्हारा फोटो शूट। यहाँ पे त्रिशा शूट से पहले कर रही है मस्ती, क्योंकि इसको गाइस थोड़ा पैम्पर करना पड़ता है बच्चे को, और अभी जब इसका शूट होगा उससे पहले इसका ग्रूमिंग सेशन होगा जिसमें इसकी मैम आके इसको थोड़ा प्रैक्टिस करवाएंगी, उसके बाद इसका प्रॉपर शूट होगा जिसको हम लोग मे बी कैप्चर कर पाएँ, क्योंकि जब इसका शूट होता है ना तो गाइस पूरा फोकस त्रिशा पे करना पड़ता है, ये इधर भागती है उधर भागती है, वह पूरा मुझे तो अच्छे से संभालना पड़ता है, इसको गाइड करना होता है, तो इसलिए इसका जो प्रॉपर शूट होगा उसको शायद ही हम कैप्चर कर पाएँ, क्योंकि मैम भी हमको मना कर देंगी कि आप इसी पे ध्यान दो, ब्लॉग के लिए थोड़ा सा हम लोग रख देते हैं अपना फ़ोन।
अम्ब्रेला नीचे का खुल गया था रेंडर रुगु आपको मजा आ रहा है क्या? बहुत मजा आ रहा है। तो यहाँ पे हो रहा है अभी त्रिशा का ग्रूमिंग सेशन, जिसमें त्रिशा को थोड़ी प्रैक्टिस करवाई जा रही है कि कैसे इसको पोज देना है, कैसे इसका फ़ोटोशूट होगा। वहाँ पे बहुत परेशान करती है गाइस, बहुत ज़्यादा। हम सब परेशान हो गए थे बहुत। बच्चों का शूट कराना मतलब बहुत इजी काम नहीं है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क समझ सकते हो आप। देखो तो गाइज ये बहुत ज़्यादा परेशान करती है, बहुत मुश्किल होता है इसका शूट करवाना। इधर देखो, इधर स्माइल करो। लड्डू एक बार स्माइल कर दो इधर। गाइज इसका शूट कंप्लीट हो चुका है, अब हम लोग जा रहे हैं इनके मेन ऑफिस, वहाँ पे आगे का प्रोसीजर होगा कि अब आगे क्या करना है और अगला शूट इसका कब होगा। इधर आओ रुको, इधर आओ, इधर आओ। गाइस त्रिशा का शूट हो चुका है और मैम से भी जो हमको डिस्कस करना था वो भी हो चुका है, और 15-20 दिन में इसका जो शूट है वो लाइव हो जाएगा। अमेजोन का ही था ये भी, तो अभी हम लोग जाते हैं कुछ खाने पीने। बहुत तगड़ी भूख लग रही है, भूख जो लग रही है मेरे को भी यार। ढाबे पे रहने दो। अभी हमने पूरा मॉल घूम लिया है और अभी घूम जा रहे हैं कुछ खाने पीने। बहुत जोर से भूख लगी है क्योंकि हम लोग ओनली ब्रेकफास्ट करके आए थे, लंच हमने किया नहीं है। हम लोग जा रहे हैं लंच करने, देखते हैं या तो हम लोग प्रॉपर लंच करेंगे या फिर पिज़्ज़ा या बर्गर, मतलब फास्ट फूड। मेरे शिशु को खाना है पिज़्ज़ा, फिर उसको फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, दादी दादी से हमारी डांट पड़ जाएगी। बहुत बढ़िया रहा एकदम, थोड़े दिनों में लाइव लगा 15-20 दिन। 15-20 दिन में इसका लाइव हो जाएगा। और फिर इसको बताया कि हर मंथली इसके लिए पौने आएंगे जो कि पेड़ होगा, और ड्रेसेस भी होंगे इसके लिए। ड्रेस ड्रेस में मतलब शूट करवाई और ड्रेसेस उसी को मिल जाया करेंगी। अभी तो ये होता है कि जो ड्रेसेस होती है वो इन्हीं की रह जाती है, बट अब नेक्स्ट मंथ से हो जाएगा कि इसको जो कॉलेब होगा उसका पे भी करेंगे वो लोग, और ड्रेसेस भी इसी के पास रह जाएंगे। अब ये नेक्स्ट मंथ से गाइस पागल बनाते हैं मेरे को दोनों ने, वहाँ पर गिफ्ट भी नहीं मिला मेरे को। अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे हम, ऐसे ही बता। हम बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाएंगे और मैं ऐसे शूट करवा के रहूँगी, मैं मॉडल बन चुका हूँ। चलिए हम मिलते हैं थोड़ी देर में। दो चीज़ पकौड़ा नहीं खाएंगे, पता से खाएंगे मस्त चटनी वाली, मीठी मीठी खट्टी खट्टी
मस्त मजेदार पता जी आएंगे मस्त तीखा पानी गाइस पहले बिल्कुल भी पताशी नहीं खाते थे बल्कि हमको और मना करते थे, मतलब मेरे को तो बहुत डांटते थे फास्ट फूड खाने के लिए, जबकि पताशी और मोमोज मेरे बहुत फेवरेट हुआ करते थे। बट थ्रिशा के टाइम पे मैंने प्रेगनेंसी में खाया ही था ये सब चीज़ें, तो इनको भी आदत हो गई है खाने की और अब इनकी जो जीभ है ना वो ऐसे लपलपाती है इन चीज़ों के नाम से, तो खुद से ही बोलते रहते हैं लड्डू नो कि पताशी खाने चलते हैं। कैसे बोल रहे डुगा? तीखा पानी नहीं, तीखा पानी, तीखा पानी, ऐसे करो, तीखा पानी नहीं, जल्दी ढूंढ पताशी की दुकान। उसके एक हेयर पिन कहाँ है लड्डू? घुमा दी, ये सारी हेयर पिन घुमा दी, वो पताशी वाला आ गया। यस, वो उसके भीड़ भी है, इसी के खाएंगे डुगू। ओ दो दो पताशी वाले हैं, तो कौन से खाएं बता, दोनों तरफ है भीड़, दो डुगू वाले पताशी खाएंगे। ऐसा लग रहा है भूकंप आ रहा है, लग रहा है। इसके बाबू लिप्स पे ना चटनी लग गई, मतलब ऑरेंज ऑरेंज सी चटनी, तो जोरदार थी, तो मजा आ गया पताशी। इसके होंठ भी ऑरेंज हो गए, देखो लड्डू दिखा ना यार, पानी। और ये यहाँ पे कर रही है अपनी गाड़ी को साफ, वाइप से, वाइप से साफ कर रही है। कैसे शर्मा रही, देख एक्टिंग करवा लो इनसे दोनों से, डैडा और बेटू। कैसे कर रही तू? क्या हो रहा है भाई? गाइस पता है क्या बोलती है, मैं झाड़ू पोछा दोनों कर लूंगा मम्मा, मैं दोनों कर दूंगा, हेल्प करवा दूंगा, ऐसे करके। आप तो हमेशा ही गलत रोड पे घुस जाते हो। ये नेट है ना, ये गूगल, गूगल। गाइस अगर हमको हमारे घर की जस्ट पीछे वाली गली में भी जाना हो ना तो भी पता है गूगल मैप से जाते हैं, इनको इतना भी याद नहीं रहता रास्ता। जादू हूँ मैं, जादू, शादी के बाद गजनी बन गया हूँ मैं। चुप हो जाओ फालतू, ये कह रहे हैं गाइस शादी के बाद गजनी बन गया हूं मैं। मेरे बहुत अच्छे पानी डालना अपने सबके होंठ, पता है ऑरेंज ऑरेंज कैसे हो गए, चटनी खाई ना कलर छोड़ दिया है, डुब्बू की तो टंग भी ऑरेंज हो गई, यार ऑली मेरी टंग हो गई, लिप्स भी हो गए। मुझे मैं और मामू आप चुपचाप कैसे बैठे हो, आज पूरा व्लॉग आदि ने शूट किया है। मामू को लग रही है भूख, भूख लग रही है मामू। अरे हम लोग पिज्जा खाने जा रहे थे और फिर हॉस्पिटल लेके गए और एक हॉस्पिटल में भी नहीं, तीन तीन हॉस्पिटल में, क्योंकि रात को है ना जहाँ हम इसको दिखाते हो डॉक्टर, मतलब अर्जेंसी इमरजेंसी में देखता नहीं है वो, तो वहाँ पे भी हम गेट वगैरह बजा के फोन करके आ गए, डॉक्टर ने कॉल भी पिक नहीं किया। फिर उसके बाद हमने इसको नियो में ही दिखाया जो बच्चों का डॉक्टर है, 3:30 बजे इसको रात को हम लोग डॉक्टर के लेके गए, इंजेक्शन वगैरह लगवाए तब जाके ठीक हुई है, इसलिए मेरे को डर लग रहा था यार इसको पिज़्ज़ा और बर्गर खिला देंगे ना उल्टी वगैरह हो जाती है यार इसको, बच्चों को वैसे ही मतलब डाइजेस्ट नहीं होती है सब चीज़ें, बच्चों को क्या अपन को ही नहीं होता, मैं तो डाइजेस्ट तो होते तो छोटा सा नहीं, और फिर मम्मी और पापा से डांट पड़ी बहुत ज़्यादा डोगो। और इसी के कहने पे हमने इसको खिलाया था क्योंकि 2 दिन से जिद कर रही थी मेरे को चाउमीन खानी है, इसको चाउमीन खिला दिया और उससे इसको इतनी तेज फूड पॉइजनिंग हुआ ना, बहुत गंदा वाला, इसलिए मेरे को डर लगता है। फिर मैंने मना कर दिया कि यार रहने दो बाहर का, हम तो फिर भी अकेले में तो खा भी ले, अपन को इतना वो नहीं होता, थोड़ा बहुत खाते हैं, अब बच्चों को क्या है ना ये इसको डाइजेस्ट भी नहीं होती और खा लेती है, फिर मेरे को डर लगता है यार, इसलिए हमने थोड़ा बहुत पताशी वगैरह दही पकड़ी ये सब चीज़ें खा ली है और इसको हल्की हल्की सी खिलाई थी हमने, अब घर जाके खाना खाएंगे। अभी हम लोग निकल गए घर के लिए, तो इस ब्लॉग का हम लोग यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप बताना कि आपको ब्लॉग कैसा लगा और आपको कोई भी क्वेरी हो तो हमको कॉमेंट करके पूछ सकते हो, कि मतलब बच्चे का अगर मॉडल शूट वगैरह या मॉडलिंग लाइन में आप डालना चाहते हो तो उसके लिए क्या क्या हमको करना होगा, तो आप लोग कॉमेंट में हमसे पूछ सकते हो, आपका रिप्लाई हम जरूर देंगे। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, स्वीट ड्रीम्स।